अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी फ्रूट कस्टर्ड। कढ़ाई में मैंने आधा लीटर दूध ली हूँ, इसमें डालूंगी आधा वाटी शक्कर। इसे मैं दूध में एक उबाल आने तक के पका लूंगी। एक प्याली में मैंने दूध ली हूँ थोड़ा सा, अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छे से घोल लूंगी। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हूँ। दूध में उबाल आने तक के हम फ्रूट काट के ले लेंगे। फ्रूट में मैंने ली हूँ संतरे, सेब, केला और खजूर। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें डालूँगी कस्टर्ड पाउडर जो मैंने घोल कर रखी थी दूध में, वो मिक्स करूंगी। ये मिक्स करने से दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी। इसे हम अभी ठंडा होने देंगे। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी फ्रूट। सब फ्रूट्स मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे मिक्स कर लूंगी। फ्रूट मैंने मिक्स कर दी हूँ, अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। माशाल्लाह फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कस्टर्ड कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।